आशीष है, मैं कॉर्डियल इन पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल से बोल रहा था। आज हम बात करेंगे कि लव मैरिज कब ज़्यादा चांसेस बहुत ज़्यादा कब होते हैं। जब भी शुक्र बहुत मजबूत होता है, शुक्र बहुत मजबूत होगा तो शुक्र प्रेम का भी कारक है और दिखने का भी कारक है। तो शुक्र जितना मजबूत होगा उतने उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक राहु का भी प्रभाव ज़्यादा होगा तो राहु क्या होता है कि थोड़ा सा हटके काम करने की आदत होती है उसको, थोड़ा सा अलग। दुनिया आगे चल रही है तो पीछे चलेगा, उस टाइप से आदमी की आदत होती है। या थोड़ा तेज चलेगा इस टाइप से, ना दुनिया से अलग तेज उल्टा चलेगा, इस टाइप से आदत होती है। जिस पर भी राहु का प्रभाव होता है तो वो भी अधिकतर लव मैरिज पहुँचा करते हैं। अभी आप देखेंगे कि जो भी अभी मंगल भी बहुत पावरफुल होगा तो कभी कभी किसी का मंगल बचा तो बचा जिद्दी होता है, जिद्दी होगा तो वो अपने हिसाब से ही काम करेगा। तो लव मैरिज के लिए जिसका मंगल ज़्यादा होता है उसका लव मैरिज जिद्दी स्वभाव का होगा तो वो भी उसमें अपने को लव मैरिज के लिए ज़्यादा वो उसकी तरफ ही जाएगा। कि शनि होगा तो दिखेगा अच्छा, नहीं तो लव मैरिज के चांस कम रहेंगे। चंद्र भी होगा तो भी लव मैरिज के चांस ज़्यादा रहेंगे। चंद्र भी थोड़ा सा ज़्यादा उठा हुआ रहेगा, नहीं ज़्यादा होगा तो भी चंद्र ज़्यादा मजबूत होगा तो भी लव मैरिज के चांस होंगे, क्योंकि वो तो मन से ज़्यादा सोचते आदमी, तो फिर मन से ज़्यादा सोचते तो वो मन के हिसाब से करेंगे तो लव मैरिज के चांस ज़्यादा होंगे। क्योंकि दैवी किसी में सूर्य का ज़्यादा दबाव होगा तो फिर वो सिस्टम इज्जत वगैरह की बातें करते तो और लव मैरिज वगैरह के बच्चे में नहीं पाते। जिसका सूर्य मजबूत होता तो लव मैरिज का गुरु होगा तो वो भी धर्म वगैरह के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो ऐसा अफेयर वगैरह में इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। और बुध भी हो तो बुध तो दिमाग से सोचता तो इतना उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देता वो, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन केतु भी हुआ तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राहु शुक्र और मंगल इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इनका भी ये होगा तो उनके मंगल उनके लव मैरिज के ज़्यादा चांस होते हैं उनके। तो आप हाथ से भी देखेंगे तो ये एरिया होगा सब उसको, ये अंगूठे के नीचे का एरिया, ये अंगूठे के नीचे का ये एरिया देखें आपको, ये ऐसा ये सब उसको बहुत उठा हुआ होगा, बहुत उठा हुआ तो उसका लव मैरिज के चांस ज़्यादा होंगे। उसमें ये क्रॉसेस नहीं होने चाहिए, बस ऐसे जाले नहीं बनने चाहिए, ऐसे जाले बने हुए रहेंगे तो नहीं होगा। ये गड्ढा नहीं होना चाहिए, इसमें प्लेन नहीं होना चाहिए। और ये वाला एरिया भी थोड़ा सा उठा होना चाहिए, ये वाला एरिया भी उठा हुआ होगा, ये भी उठा हुआ होगा तो ज़्यादा चांस होंगे। सपोज को ये वाला एरिया भी उठा हुआ है, ये इधर का एरिया, तो अभी उसके लव मैरिज के चांस रहता होंगे। हाथ भी थोड़ा सा पिंकिश होना चाहिए, पिंक मीन्स थोड़ा गुलाबीपन लिया होना चाहिए, तो भी उसके हाथ ज़्यादा काले काले हाथ होंगे तो फिर उसके कम होंगे हाथ। अभी ये एरिया बहुत उठा हुआ होना चाहिए तो भी आदमी के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर कभी गड्ढा होगा तो भी थोड़ा सा गड्ढा होता है, आदमी का हथेली अब ऐसे करेंगे तो गड्ढा होता, तो ये एरिया बीच का एरिया गड्ढा होगा तो भी आदमी अपने हिसाब से काम करता है तो इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। हाथों की उंगली बहुत पतली होनी चाहिए, बहुत पतले होने के अधिकतर उनके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लोग मरीज के बहुत पतले होते हैं, कलाकार आदमी रहते हैं तो इमोशंस से सोचते तो उनके भी हाथ बहुत ऐसे पतले पतले लाइंस होती है तो उनके भी चांस बहुत ऐसे पतली पतली होगी तो पतली और लंबी होगी तो भी उनके ज़्यादा चांस होते हैं। कोई भी ऑफिसर लगा अच्छा लगा तो कॉल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और कोई आपको लगे तो हमारे 9187888707 पे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।